हाय गाइस, वेलकम टू अनदर अमेजिंग वीडियो फ्रॉम आवर चैनल काया क्लब ग्लोबल। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये है सफ़ेद दाग टैटू के बारे में। आजकल मैं देख रहा हूँ, शाम को जब मैं काम से वापस आता हूँ तो मैं जब फेसबुक पे होता हूँ या इंस्टाग्राम पे होता हूँ तो मुझे एड्स आ रही हैं विटिलिगो कवर अप टैटूज की। लास्ट ईयर मैंने टैटू के ऊपर एक वीडियो बनाई थी जो काफ़ी लोगों को पसंद आई थी। वो वीडियो थोड़ी लंबी थी, पूरी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आखिर सफ़ेद दाग टैटू क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, कॉस्ट कितना आता है, किन लोगों को करवाना चाहिए, किस सिचुएशन में करवाना चाहिए, किन सफ़ेद दागों के ऊपर टैटू करवाना चाहिए, किन सफ़ेद दागों के ऊपर टैटू नहीं करवाना चाहिए। वो पूरी डिटेल्ड में मैंने एक वीडियो बनाई, विस्तारपूर्वक मैंने सब कुछ वहाँ पर समझाया, तो उसका थंबनेल यहाँ स्क्रीन पर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। आप चाहें तो इस वीडियो के बाद जाके वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ ये मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा कि आखिर सफ़ेद दाग के ऊपर टैटू क्यों करवाना चाहिए, कब करवाना चाहिए, क्यों लोग करवाते हैं, क्या आपको करवाना चाहिए कि नहीं, क्या आप उस क्राइटेरिया में फॉल करते भी हो कि नहीं, आपके पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शंस हैं आपको पता होना चाहिए। सो एज अ डॉक्टर मैं समझता हूँ कि मेरा रोल बनता है आपको एजुकेट करना, आपको समझाना कि आखिर सफ़ेद दाग टैटू का प्रोसीजर क्या होता है, कॉस्ट कितनी होती है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे, तो एंड तक आपने ये वीडियो मेरे साथ देखनी है। भाई सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर विटिलिगो टैटू कोई ट्रीटमेंट है, कोई क्योर है, ये क्या है, ये मतलब क्यों करवा रहे हैं लोग, करवा रहे हैं क्यों, ऐड दिख रही हैं आपको अगर दिख रही हैं तो। सबसे पहले तो सफ़ेद दाग के ऊपर टैटू करवाना कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज नहीं है, कोई क्योर नहीं है। कोई आपको ये क्लेम करता है कि गारंटी से आप ठीक हो जाओगे अगर आप टैटू करवा लोगे, तो वो झूठ है। क्यों क्यों झूठ है? आप इतने नॉलेजेबल हो, आप इस चैनल पे इतने टाइम से हो, आप ये वीडियो मेरी देख रहे हो, आपको पता है कि सफ़ेद दाग एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब होता है ऑटो इम्यूनिटी। हमारे शरीर के सेल्स जो हैं हमारे रंग बनाने वाली कोशिकाओं पर हमला कर रहे हैं, तो बीमारी शुरू तो अंदर से हुई है ना, चीज़ अंदर से शुरू हुई है लेकिन दिखाई बाहर दे रही है। तो सिर्फ बाहर रंग भर देंगे तो क्या अंदर से बीमारी शांत हो जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ कॉमन सेंस ही नहीं बैठ रही है इस बात में कि बाहर कवर अप करवा लेंगे तो क्या बीमारी ठीक हो जाएगी अंदर, इम्पॉसिबल है ना। तो पहले तो आप ये क्लैरिटी रखें अपने माइंड में कि टैटू करवाना इज जस्ट अ कवर अप कर रहे हैं, इलाज नहीं कर रहे हैं। ये आपको 100% क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में। आगे बढ़ के बात करते हैं कि आखिर किस सिचुएशन, अच्छा ये बात करते हैं कि आखिर लोग करवा क्यों रहे हैं टैटू, इतना लोगों में रिसेंटली इंटरेस्ट क्यों जागा है टैटू करवाने में। उसका मैं समझता हूँ, मेरी राय में एक तो आई कम्प्लीटली रेजोनेट विद द सेंटीमेंट कि लोगों ने बहुत इलाज करवाए, आयुर्वेद पे इलाज करवाया, होम्योपैथ पे इलाज करवाया, एलोपैथ में इलाज करवाया, उनको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट नहीं मिले। उसमें कुछ गलती आपकी भी है एज अ पेशेंट, वो ये है कि आप लोगों में पेशेंस नहीं है। मैं देखता हूँ कि आप लोग बहुत जंप मारते हो, डॉक्टर हल्का सा भी आपको आराम नहीं आता है, आप किसी को 100% टाइम नहीं देते। ये मैंने नोटिस किया, सब लोग नहीं, काफ़ी लोग मैंने देखा है वो जंप मार देते हैं 3-4-5-6 मंथ्स में, जैसे मुझे लगता है कि हमें ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लग रहा है। ये दिस इज़ नॉट राइट, नंबर वन। नंबर टू, सबको बड़ा ही फास्ट रिजल्ट चाहिए, सबको तेज़ी से ठीक होना है, सबको कल ही ठीक हो जाना है। नंबर थ्री, ऑफकोर्स इंस्टाग्राम फेसबुक मेटा पे जो भी एड्स आते हैं वो भी हमें, अगर हमें नहीं भी पता होता टैटू के बारे में तो भी हम जो है उसके बारे में सर्च करने लग जाते हैं। ये चीज़ों की वजह से हमारा इंटरेस्ट जाग रहा है टैटू करवाने का। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर टैटू कौन से लोग कर सकते हैं, कौन से टाइप के विटिलिगो पेशेंट्स कर सकते हैं। नंबर वन क्राइटेरिया, बाय द वे, सफ़ेद दाग में टैटू करवाने को मेडिकली कहा जाता है माइक्रो पिगमेंटेशन। तो माइक्रो पिगमेंटेशन जो मेडिकल टेक्स्ट बुक्स में, जो डर्मेटोलॉजिस्ट के सर्कल में जो क्लासिफिकेशन है, जो क्राइटेरिया है, वो ये है कि आपकी बीमारी शांत होनी चाहिए, एक साल से ऊपर हो चुका है, आपकी बीमारी स्टेबल होनी चाहिए, कोई नया दाग नहीं आना चाहिए, पुराने दागों का साइज़ नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आपको आपके सफ़ेद दाग के ऊपर बाल काले हैं तो वो सफ़ेद नहीं होने चाहिए। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए तभी आप टैटू करवाने के क्राइटेरिया बॉक्स में फिट बैठते हो। अब जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि आखिर टैटू आर्टिस्ट, डॉक्टर्स भी नहीं, टैटू आर्टिस्ट क्यों इतना ज़्यादा शोर मचा रहे हैं कि टैटू करवा लो? क्योंकि उनको पता है कि आप वल्नरेबल पॉपुलेशन में आते हो, उनको पता है कि आपको ज़रूरत है, उनको पता है कि आप कितना मर्जी भी पैसा देने को रेडी हो सफ़ेद दाग से ठीक होने के लिए, और वो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि आप हाथ के टैटू कवर करवा लो, छाती के, टांग के,
कितने भी बड़े एरिया के वो टैटू करने को रेडी, इनको तो काम है, वो टैटू रंग भर देंगे। लेकिन क्या बातें आपको पता होनी चाहिए, नंबर वन, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो जिस जगह पे रंग भरेंगे कोई नए एरिया में दाग ना आ जाए। नंबर वन, 100% पॉसिबिलिटी है कि अगर आपकी बीमारी शांत नहीं है अंदर से तो बाहर रंग भरा है तो नए एरिया में दाग आ सकता है। नंबर टू, कुछ लोग 15-20% ऐसे भी होते हैं जो जिनको चोट लगने से सफ़ेद दाग होता है, उसे हम कहते हैं कैबनर्स फिनोमेना। तो जिन लोगों को चोट लगने से सफ़ेद दाग होता है वो अगर जाके टैटू करवा लेंगे तो उनके सफ़ेद दाग की उत्पत्ति हो जाएगी, क्योंकि टैटू में जो नीडल बार बार लगती है सफ़ेद दाग पे, वो भी तो एक टाइप का माइक्रो ट्रॉमा ही है, वो भी एक टाइप का चोट लगना ही है। तो जिन लोगों को चोट लगने से सफ़ेद दाग होता है वो टैटू नहीं करवा सकते, जिन लोगों की बीमारी बढ़ रही है वो टैटू नहीं करवा सकते। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको ये नहीं पता कि टैटू करवाने वाले किस टाइप की इंक यूज़ कर रहे हैं। मैं स्क्रीन पे एक दो वीडियोस प्ले करता हूँ, आप खुद ही देखिए। ये पेशेंट की हथेली देखिए, पेशेंट को लगा कि यहाँ पे मैं टैटू करवा लूँगा मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन सफ़ेद दाग, क्योंकि अंदर बीमारी एक्टिव थी, सफ़ेद दाग साइड से आ गया और फैल गया। एक ये आप वीडियो देखिए, यहाँ पेशेंट ने अपने टांग पे टैटू करवा लिया, ये पेशेंट को उस समय लग रहा होता है कि हाँ कवर अप करवा लेंगे, टैटू करवा लेंगे, काम चल जाएगा, लेकिन अगर बीमारी अंदर से ही शांत नहीं है तो आपकी आपके पास क्या गारंटी है कि वो नए एरिया में नहीं आ जाएगा। दैट इज वाई नंबर वन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज मेडिकल थेरेपी, दवाई खाना और दवाई लगाना और धूप दिखाना, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट फॉर विटिलाइगो। पहले हमें ये करके देखना है, बीमारी को शांत करना है अंदर से, फिर हम सोचेंगे कि हमें टैटू करवाना है कि नहीं। अगर यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं जो कायाकल्प पे हुए टैटूज के रिजल्ट्स की फ़ोटो आपको दिखाऊं, यस हम भी टैटू करते हैं लेकिन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए, लेकिन जो जहाँ पे टैटू कर सकते हैं उसी एरिया में टैटू करवाते हैं, तो ये रिजल्ट्स अगर आप देखना चाहते हो तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिखो इंटरेस्टेड, मैं आपके साथ 2-3-4 जितना मेरे को टाइम अलाउ करेगा मैं आपको बिफोर आफ्टर की फोटोग्राफ दिखाऊंगा पेशेंट्स की जिनको टैटू से आराम आया है। लेकिन आई वॉन्ट टू नो कि आपका लेवल ऑफ एंगेजमेंट क्या है मेरे साथ, राइट। आगे बात करते हैं और बात करते हैं कि कौन से एरिया में टैटू करवाया जा सकता है। सिर्फ दो ही एरिया हैं पूरे ह्यूमन बॉडी में जहाँ पर टैटू के अच्छे रिजल्ट हैं, वो है लिप्स एंड निपल्स। तो अगर आपके निपल्स पे सफ़ेद दाग है वहाँ पर रंग भर सकते हैं, अगर आपके होठों में सफ़ेद दाग है वहाँ पे रंग भर सकते हैं। इसके अलावा और कोई एरिया पे आप सोचेंगे भी नहीं टैटू करवाने के बारे में, बिकॉज ऑफ ऑल द रीजंस जो मैं आपको बता चुका हूँ। गाइस ये थी आज की ब्रीफ वीडियो जहाँ मैंने माइक्रोपिगमेंटेशन के बारे में टॉपिक छेड़ा है। आने वाले महीने में मैं 2-3-4 रिकवरी की फोटोज दिखाऊंगा और जर्नी बताऊंगा कि कैसे टैटू होता है और कलर मैचिंग, हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब भी मैं वो टैटू वाली वीडियो रिलीज करूं। और कमेंट सेक्शन में आपने मेरे को बताना है कि आप इंटरेस्टेड हो इस टाइप के इंफॉर्मेशन के बारे में, आपको पता होना चाहिए एज अ पेशेंट आपके पास क्या क्या डिफरेंट टाइप की टेक्निक्स अवेलेबल हैं। धन्यवाद।